पिछले कुछ दिनों में राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में 170 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 30 साल पहले नागपुर जिले के मोवार के बाढ़ में 204 लोगों की मौत हुई थी। आज इस घटना की 30वीं बरसी है, लेकिन जख्म अभी भी भरे नहीं है। मोवार से देखिए बीसीएन न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोवार गांव महाराष्ट्र की सुदूर छोर पर मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मोवार वर्धा नदी के तट पर नरगेट तालुका का एक गांव है। मोवार नगर पालिका की स्थापना 17 मई 1867 को हुई थी। उन्होंने 154 साल पूरे कर लिए हैं। यहां की नगर परिषद, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, चले जाओ आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ। मोवार का बैल बाजार भी प्रसिद्ध है। यहाँ संतरे और कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था, लेकिन आज महापुरा की त्रासदी के बाद मोवार में सब कुछ बदल गया है। 30 जुलाई 1991 को बाढ़ आई थी। रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण नदियों और नाले उफान पर थे। सूर्योदय से पहले ही मोवार का पूरा गांव जलमग्न हो गया। किसी के पास ठीक होने का आसान मौका भी नहीं था। उस दिन मोवार के लोगों ने वर्धा नदी के गरजते रूप को देखा था। तब से लेकर अब तक गांव में कई बार बाढ़ आ चुकी है। हालांकि 1991 की बाढ़ के कारण हुई अनेक पीड़ाएं आज भी है। बहुत से लोगों को आज भी याद है कि अशांत नदी में हजारों अपनों का बह जाना यह नहीं होना था। वर्धा नदी के किनारे बसे गांव में वर्धा नदी उफान पर थी। इस घटना में मोवार के 204 लोग डूब गए। आज घटना को 30 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर बाढ़ शब्द भी कहा जाता है तो कांटों के शहर चरम पर खड़े होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मोवार के नागरिक 30 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। हर नागरिक श्रद्धांजलि देने आता है। 1991 की बाढ़ के बाद मोवार गांव भले ही उभर गया हो, लेकिन लोगों के मन में यह भावना बनी हुई है कि सरकारी तंत्र की विफलता के कारण सैकड़ों लोग डूब गए। हालांकि गांव 30 साल बाद लौटा है, लेकिन बाढ़ का दहशत अब भी कायम है। आज मोवाड़ महापुरला 30 वर्ष पूर्ण झाली। 30 वर्ष पूर्ण झाली असून मोवाड़ात आज जुनं मोवाड़ जसेच्या तसे आहे ना। इथे कोणत्याही प्रकारचं सामाजिक आपलं पर्यटन सुविधा निर्माण झाल्या ना काही। वर्धा आणि कोल्हार नदीचा संगम असून इथे शासनांकडे दुर्लक्षच आहे। कोणत्याही प्रकारचे इथं नाही पर्यटनाला वाव मिळाली नाही। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने जागा गेलेली असून ती शासनाने हस्तक्षेप करून इथे मोठ्या प्रकारे ते वॉटर पार्क निर्माण करायला हवा होतो। जुलै 1991 महापुराला आमचं सुंदरसं मोवाड गाव पूर्णतः नष्टाभूत झालं होतं। आज त्या घटना 30 वर्ष झाले, पण 30 वर्षात ज्या पटीनं मोवाड शहर एका काळात विकासाला चालना देणारं शहर होतं, आज त्या पटीनं ते मागासवर्गीय झालेलं आहे। जुन्या काळी इथे कोर्ट होता, तहसील होती, एक चांगलं शिक्षण होतं, मोठी एक बाजारपेठ होती, हातमाग करता मोठं एक इथं कामगारांची संघटना होती। 1991 आलेल्या महापुरामध्ये मोवाडचं खूप मोठी आर्थिक आणि मनुष्य हानी झाली होती। त्यामध्ये 207 येथील महिला आणि पुरुषांना जलसमाधी मिळाली होती। तेव्हापासून गावाचं जे वैभव आहे ते पूर्ण नाहीसं झालं आहे। आज इथे दुसरा कुठलाही व्यवसाय नसल्यामुळे सगळं गाव आज शेतीवर अवलंबून आहे। आणि आज इथे सर्वात मोठा जर शेतीमध्ये जर पिकामध्ये जर आपण जर विचार केला तर संत्रा पीक हे मुख्य आहेत। आणि संत्रा पिकाला इथं साठवणूक करण्याकरता शीतगृह तसेच इथं मार्केट उपलब्ध व्हावं असं माझी इच्छा आहे की बाबा शासनाने इथं आपलं जितकं काही अनुदान देता येईल ते अनुदान देऊन इथे इथल्या शेतमजुराला किंवा शेतमालकाला शीतगृह देऊन इथलं व्यापार वाढवावा इतक्या शेतकऱ्याला। आज महापुराला 30 वर्ष पूर्ण झाले, परंतु त्या काळी मोवाड एक शैक्षणिकदृष्ट्या खूप विकसित झालेलं गाव होतं, पण इथं आता शैक्षणिकदृष्ट्या खूप मागासलेलं गाव आहे। साधा MA BCOM इंजिनिअरिंग शिकायसाठीसुद्धा नागपूर, अमरावती, काटोल अशी धावपीट पायपीट करावं लागते। विद्यार्थ्यांचं खूप या धावपीटीत आर्थिक शैक्षणिक नुकसान होते। विद्यार्थी पूर्ण आपल्या शिक्षणावर फोकस करू शकत नाही। मोवाड पूरपीडित गाव असून नियोजित मोवाडकडे शासनाने दुर्लक्ष केलं। इथं कोणत्याही MA नाही, साधं BCOM नाही, कॉमर्स फॅकल्टी जमतेम 1-2 वर्ष झाले सुरू झालं, पण कुठेही शासनाची शालेय मोठी इमारत नाही। 30 जुलै 1991 मोवाड येथे वर्धा नदीच्या महापुरामध्ये 206 लोकांना जलसमाधी मिळाली, त्या प्रित्यर्थ मोवाड नगर परिषद येथे स्मृतिदिनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। 30 जुलै 1991 आलेल्या महापुरामध्ये 206 लोकांचे
वर्धा नदीच्या जलप्रवाहात प्राण गेले. तसेच मोवाड येथे मोठ्या प्रमाणात 1991 महापुरामध्ये वित्तहानी प्राणहानी मोठ्या प्रमाणात झाली. मोवाड हे शहर जुन्या काळामध्ये मोवाड हे सोन्याचं कवाड म्हणून ओळखलं गेलं होतं. मोवाड येथे मोठ्या अशी एक बाजारपेठ होती. हातमाग महामंडळाचं या ठिकाणी एक सबसेंटर होतं. तसेच मोवाड येथे एक सरकारी दवाखानासुद्धा होता. या ठिकाणी मोवाड येथे शैक्षणिक मोठ्या चांगल्या प्रमाणात कॉलेजेस होते. आणि कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News, नागपूर.